Assalamu alaikum dear students, stay home, stay safe. Today is 10th August and day is Monday. आइए चलते हैं आज के अपने स्टडी प्लान की तरफ. सबसे पहले हम इंग्लिश ए को स्टडी करेंगे. इंग्लिश ए में हम यूनिट नंबर 9 एयर पोल्यूशन की रीडिंग कर रहे थे. इसके फर्स्ट पैराग्राफ की हम रीडिंग कर चुके थे. आज हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. अपनी बुक का पेज नंबर 53 ओपन करें. Let's start reading. Air pollution can result from both human and natural actions. Result कहते हैं नतीजे को. Human इंसान है. हवाई आलूदगी इंसानी और कुदरती दोनों सरगर्मियों के नतीजे में होती है. Natural events कहा जाता है कुदरती वाकयात को. Natural events that pollute the air include forest fire, wind erosion, pollen spreading, volcanic outbreak, evaporation of organic compounds and natural radiation. Pollute का मतलब होता है आलूदा करना. Include शामिल. Forest fire कहा जाता है जंगलात की आग को, तो जंगलात में खुद बखुद आग लग जाती है. Wind erosion कहा जाता है हवा के कटाव को, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या बहुत तेज़ बारिशें होती हैं तो इनकी वजह से ज़मीन में कटाव पैदा हो जाता है और चट्टानें टूट जाती हैं. Pollen spreading कहा जाता है जरदानों के फैलाव को. Organic outbreaks कहते हैं आतिफशाओं का फूटना, जो ज़मीन से लावा निकलता है. Evaporation of organic compound कहा जाता है नामियाती मरकबात की तबदील को. एंड नेचुरल रेडिएशन कहते हैं कुदरती तबकारी को. नेचुरल इवेंट्स दैट पोल्यूट द एयर इंक्लूड फॉरेस्ट फायर, विंड एरोशन, पोलन स्प्रेडिंग, वोल्केनिक आउटब्रेक्स, एवेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेचुरल रेडिएशन. कुदरती वाकयात जो हवाओं को आलूदा करते हैं, जंगलात की आग, हवा का कटाव, जरदानों का फैलाव, आतिशाओं का फूटना, नामियाती मरकबात की तबदील और कुदरती तबकारी इसमें शामिल है. Human activity is a major cause of air pollution. Human activity कहा जाता है इंसानी सरगर्मियों को major cause, बुनियादी सबब. Especially in big cities, specially कहा जाता है ख़ास तौर पर big cities होती हैं बड़े शहर. Human activity is a major cause of air pollution, especially in big cities. इंसानी सरगर्मियाँ ख़ास तौर पर बड़े शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती हैं. Factories, power plants, cars, aeroplanes, chemicals from spray cans and methane gas from landfills are the source of man-caused air pollution. इंसानों के ज़रिए से आलूदगी के असबाब में फैक्ट्रियाँ, पावर प्लांट्स, कारों, हवाई जहाज़ों, केमिकल स्प्रे के डब्बों से झाग और ज़मीन में दफन कूड़े के ढेरों में मीथेन गैस जैसी चीज़ें शामिल हैं. लैंडफिल कहा जाता है ज़मीन में कूड़े क्रिकेट के ढेर को दबा देने को. लैंडफिल इज ऑल्सो अ हार्मफुल प्रोसेस इन विच वेस्ट इज बरीड इन टू द लैंड. कूड़े को ठिकाने लगाने का अमल भी एक नुकसानदेह अमल है, जिसमें कूड़े को ज़मीन में दफन कर दिया जाता है. बरिड का मतलब होता है दफन करना. यहाँ पे हम लोगों का सेकंड पैराग्राफ भी एंड होता है. इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि फ़िज़ाई आलूदगी के असबाब क्या क्या होते हैं. कुदरती असबाब और इंसानी सरगर्मियाँ भी इसका सबब बनती हैं, जिनमें कुदरती असबाब में जंगलात की आग, हवा का कटाव, कुदरती तबकारी, नामियाती मरकबात की तबखीर वगैरह शामिल है. जबकि इंसानी सरगर्मियों में फैक्ट्रीज, हवाई जहाज़, कार्स, केमिकल्स, मीथेन गैस और लैंडफिल वगैरह जो है वो लैंडफिल वगैरह मेन कॉज हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं. यहाँ पे हम लोगों का आज का लेक्चर एंड होता है. थैंक यू. आज हम साइंस स्टडी करेंगे. यूनिट नंबर 7 द स्टडी ऑफ मैटर. प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने हाफ रीडिंग की थी, अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड उसका रीड किया था कि कौन से मेथड से हम लोग चीज़ों को अलग कर सकते हैं. आज हम इसका सेकंड मेथड रीड करेंगे. पेज नंबर 70 है आपकी बुक्स का. हमारा सेकंड मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. दिस मेथड इज़ आल्सो यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड. ये मेथड, ये तरीका भी हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है. फर्स्ट द मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्टर्ब. सबसे पहले मिक्सचर जो हम बनाते हैं उसको अनडिस्टर्ब रखा जाता है, मतलब उसको हिलाना नहीं है. सो दैट द हैवियर सॉलिड पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. इस तरह से हमारे पास जो हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पैंदे की तह में बैठ जाएंगे. द सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इस तरह से पार्टिकल्स के सेटल होने को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं. देन द लिक्विड फ्रॉम दिस मिक्सचर इज पोर्ड ऑफ इनटू अनदर कंटेनर बाय टिल्टिंग द कंटेनर वेरी जेंटली.
फिर इस मिक्सचर को हमारे पास कंटेनर को आहिस्ता से झुकाते हुए एक और कंटेनर में बर्तन में डाला जाता है। द पोरिंग ऑफ लिक्विड इन दिस मैनर इज कॉल्ड डिकेंटेशन, और इस तरह से लिक्विड डालने को डिकेंटेशन कहते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लाइट पार्टिकल्स लाइक दोज ऑफ चॉक, व्हाई नॉट? ये मेथड लाइट पार्टिकल्स के लिए यूज नहीं किया जाता जैसा कि चॉक, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? पार्टिकल्स ऑफ चॉक आर लाइटर, चॉक के जो ज़रात होते हैं वो बहुत लाइटर हल्के होते हैं, एंड दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम, और वो पैंदे की तह में नहीं बैठते। इंस्टेड दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इसकी बजाय वो लिक्विड की सरफेस पर मूव करते रहते हैं, बहते रहते हैं। हमारे पास थर्ड मेथड है एवापोरेशन। हाउ डू वी गेट सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर? हम लोग जो है वो नमक को कैसे समुद्री पानी से अलग करेंगे? साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, नमक पानी में हल हो जाता है। यू कैन नॉट यूज़ द फिल्ट्रेशन मेथड, आप फिल्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। टू सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सचर, हल पजीर मादों को मिक्सचर में से अलग करने के लिए। टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से नमक को अलग करने के लिए यू विल हैव टू यूज़ अनदर मेथड कॉल्ड एवापोरेशन, आपको एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे एवापोरेशन कहते हैं। डू यू रिमेंबर वट हैपन्स टू वाटर मैन इट इज़ बॉयल्ड? क्या आपको याद है कि पानी को जब हम बॉयल करेंगे तो क्या होगा? इट चेंज इन टू द स्टीम, ये भाप में तब्दील हो जाएगा। इट एवापोरेट्स एंड द साल्ट रिमेन्स इन द कंटेनर, पानी एवापोरेट हो जाएगा और नमक कंटेनर में बर्तन में रह जाएगा। इन दिस वे, इस तरीके से साल्ट इज सेपरेटेड, नमक को अलग किया जाएगा। नंबर फोर मेथड है हमारे पास मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन, मैग्नेट्स के जरिए से अलग करना। मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब जिन चीज़ों में मग्नतीस शामिल है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल जिनमें मैग्नेट्स इस्तेमाल नहीं है या उनमें शामिल नहीं है। मैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है मैग्नेट मटेरियल में से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू सॉर्ट मैग्नेटिक मेटल्स इन अ स्क्रैप यार्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक मेटल्स में के ढेर में से अलग करने के लिए। नीचे है हमारे पास इन्वायरमेंटल वॉच, हार्मफुल गैसेस, नुकसानदेह गैसेस कौन सी होती हैं? दिस साइक्लिस्ट इज राइडिंग इन बिजी ट्रैफिक, ये साइक्लिस्ट एक बिजी ट्रैफिक में राइडिंग साइकिल चला रही है। वाई इज शी वियरिंग अ मास्क अवर हर माउथ एंड नोज, इसने अपने माउथ और नोज पे क्यों मास्क पहना हुआ है? वट कैन यू डू टू हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेज रिलीज इन टू द एटमोसफेयर, कैसे आप हार्मफुल गैसेज को एटमोसफेयर फिजा में रिलीज होने से रोक सकते हैं? स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपने इसे घर में 2-3 दफ़ा रीड करना है नेक्स्ट लेसन के लिए। स्टूडेंट्स, आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। यूनिट नंबर 8 पीपल एंड वर्क, आज हम लोगों ने पेज नंबर 61 का नेक्स्ट टॉपिक रीड करना है जो कि है सर्विसेज, खिदमात। गवर्नमेंट हैज़ मैनी डिपार्टमेंट्स टू हेल्प द पब्लिक, हुकूमत के बहुत से इदारे हैं आवाम की मदद करने के लिए। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज, इनको खिदमात कहते हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, हस्पताल और क्लिनिक्स, बैंक्स एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूशन आर रन बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द पब्लिक, और बहुत से इस तरह के इदारे हुकूमत चला रही है आवाम की मदद करने के लिए। द गवर्नमेंट आल्सो रन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, हुकूमत जो है वो चलाती है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आमदोरफ्त की खिदमात, एंड कंस्ट्रक्ट रोड और सड़कें तामीर करवाती है, कैनल्स, नहरें, ब्रिजेस, पुल एंड बिल्डिंग्स। हुकूमत सड़कें तामीर करवाती है, नहरें, पुल, इमारतें और बहुत सी आमदोरफ्त की जो सर्विसेज हैं वो भी हुकूमत चलाती है ताकि लोगों की मदद हो सके। गवर्नमेंट आल्सो है स्पेशल डिपार्टमेंट्स, हुकूमत के ख़ास इदारे भी होते हैं। टू हेल्प पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के महसूस ग्रुप की मदद करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम टू गिव एडवाइस, जैसा कि एक ख़ास प्रोग्राम है नसीहत करने के लिए, लोन्स कर्ज़े देने के लिए, एंड गुड सीड्स टू फार्मर्स और किसानों को अच्छे बीज देने के लिए। अदर प्रोग्राम्स हेल्प द ओल्ड, दूसरे प्रोग्राम मदद करते हैं ओल्ड बूढ़ों की, द पुअर गरीबों की, एंड द सिक और बीमारों की। गवर्नमेंट हैज़ अ स्पेशल डिपार्टमेंट टू हेल्प पीपल लर्न हाउ टू रीड एंड राइट,
हुकूमत के कुछ ख़ास इदारे भी हैं जो लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिक्स एंड वर्कर्स। मोस्ट ऑफ आवर फैक्ट्रीज़ यूज़ मशीन टू मैन्युफैक्चर थिंग्स। बहुत सी हमारी फैक्ट्रियाँ मशीनें इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को बनाने के लिए। वी मेक सम ऑफ़ दीज मशीन्स इन आवर ओन कंट्री। इनमें से कुछ मशीनें हम अपने मुल्क में बनाते हैं। वी आल्सो इम्पोर्ट स्पेशलाइज मशीनरी फ्राम अदर कंट्रीज़। और बहुत से ख़ास किस्म की मशीनें हम लोग अपने मुल्क दूसरे मुल्क से भी मंगवाते हैं अपने मुल्क में। बिफोर अ फैक्ट्री इज सेट अप, फैक्ट्री को लगाने से पहले साइंटिस्ट मस्ट प्लान एंड डिज़ाइन अ प्रोडक्ट। साइंसदान ये ज़रूरी है कि वो उस चीज़ को डिज़ाइन करें और उसके बारे में प्लान करें। ट्रेंड पीपल आर रिक्वायर्ड, तरबियत याफ्ता लोग ज़रूरत होते हैं। टू सी दैट द प्रोडक्ट इज़ मेड प्रॉपरली, ये देखने के लिए कि चीज़ सही तरह से बन रही है एज़ प्लान, जैसा कि उसको प्लान किया गया है, एंड इज़ फॉर गुड क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी की हो। स्किल्ड वर्कर्स आर देन नीडिड टू ऑपरेट द मशीन। स्किल्ड वर्कर्स महारत याफ्ता मज़दूर जो हैं उनकी ज़रूरत होती है मशीनें चलाने के लिए। डैट विल मेक द प्रोडक्ट, जो चीज़ें बनाते हैं प्रोडक्ट चीज़ बनाते हैं। दे आल्सो नीड टू मेक श्योर डैट मशीन्स आर इन गुड कंडीशन ऑल द टाइम, और उनकी इसलिए भी ज़रूरत होती है ताकि वो ये यकीन दिला सके कि मशीनें जो हैं वो हर वक्त एक अच्छी हालत में मौजूद हों। नेक्स्ट पेज नंबर 62, इंडस्ट्रीज़, सन्नतें। आयरन एंड स्टील, मोस्ट ऑफ हैवी मशीन्स विच आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज़। बहुत सी भारी मशीनें जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती हैं, एंड मैनी ऑफ द थिंग वी यूज़ एवरी डे, और बहुत सी चीज़ें जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं आर मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील, वो स्टील और आयरन लोहे से बनी होती हैं। However, as Pakistan does not have adequate sources of iron ore, जबकि पाकिस्तान के पास अच्छे ज़राए नहीं हैं लोहे के, much of it is imported, इसमें से ज़्यादातर लोहा बाहर से मंगवाया जाता है। The largest iron and steel plant in Pakistan is in Karachi, पाकिस्तान में बड़ा आयरन और स्टील का प्लांट कराची में है। आयरन एंड स्टील आर आल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आयरन और स्टील कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तामीराती सनत में भी लोहा और स्टील इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी आज की आप लोगों की सब्जेक्ट की रीडिंग, आप लोगों ने इसे अच्छे से रीड करना है। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। पेज नंबर 103, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड कॉस्ट ऑफ। यूनिटरी मेथड को यूज करते हुए आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। बुक्स खोलें अपनी और उसे देखें। फोर नोटबुक्स इफ 10 नोटबुक्स कॉस्ट रुपीज 80.50। आप लोगों ने फोर नोटबुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है अगर 10 नोटबुक्स की कॉस्ट रुपीज 80.50 दी गई है। आप देखें स्टूडेंट्स, जब तक हमें एक बुक की कॉस्ट पता नहीं होगी तब तक हम 10 बुक्स की फाइंड नहीं कर सकते फोर बुक्स की। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, 10 नोटबुक्स कॉस्ट रुपीज 80.50। 10 नोटबुक की कॉस्ट हमारे पास 80.50 है। कॉस्ट ऑफ फोर नोटबुक्स हमने फाइंड करनी है। अब पहले हम कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक निकालेंगे, उसको निकालने के लिए 80.50 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। आप देखिए 80.50 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 एट्स आर 80। उसके बाद इस 5 को नीचे उतारें तो 5 का टेबल जो है वो 10 का टेबल 5 पे नहीं जाता है अकेले, इसलिए हम 7 जीरो को भी नीचे उतार लेंगे। जब दो वैल्यूज हम लोग नीचे उतारते हैं तो हमारे पास एक जीरो ऊपर जाता है। अब ये 50 बन गया, 10 फाइव्स आर 50। अब मैंने आपको बताया था कि एंड वाली टू वैल्यूज के बाद पॉइंट लगाएंगे, इसी तरह इसमें भी एंड वाली टू वैल्यूज के बाद ही पॉइंट लगेगा। अब हम लोग एक हमारे पास नोटबुक की कॉस्ट 8.05 रुपीज आ गई है। अब हम फोर नोटबुक्स की कॉस्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो 8.05 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 5 आर 20, 0 2 के लिए 4 0 आर 0, 0 में 2 प्लस करें 2, 4 8 आर 32, 32.20 रुपीज जो है वो फोर नोटबुक्स की कॉस्ट होगी। इसके बाद आप लोगों ने इसका पार्ट बी और सी प्रैक्टिस करना है, वो भी इसी तरह से दिए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
देखें, अ न्यू टीवी कॉस्ट रुपीज 240.065.90। एक न्यू टीवी की कॉस्ट इतनी है। समीना हैज ओनली रुपीज 10780.50 इन हर बैंक अकाउंट। समीना के पास सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। हाउ मच मोर मनी मस्ट शी सेव बिफोर शी कैन बाय द टीवी। तो उसको कितने पैसे सेव करने होंगे न्यू टीवी खरीदने के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। न्यू टीवी कॉस्ट, न्यू टीवी कितनी कॉस्ट है, समीना है, समीना के पास इतने पैसे हैं। हाउ मच मनी शी सेव, उसको कितने पैसे सेव करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्लस करते हैं, कुछ माइनस की होती है। इसमें उसने इतने पैसे उसके पास हैं और इतने का नया टीवी आएगा, तो हमने बताना है कि कितने उसको सेव करने चाहिए। हम माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू हमेशा ऊपर रखेंगे माइनस में। 24065.90 ऊपर आएगा और 10780.50 जो है वो नीचे आएगा। अब स्टूडेंट्स हम माइनस करते हैं इसको, 0 माइनस 0 0, 9 में से 5 माइनस करें 4 पॉइंट, देखें इसी तरह नेक्स्ट लाइन में नीचे आ जाएगा। अब 5 में से 0 माइनस करें 5, 6 में से 8, अब स्टूडेंट्स देखें 6 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ 0 है, 0 से हम 6 को कैरी भी नहीं दे सकते। मैंने आपको प्रीवियस लेसन में समझाया था जहाँ 0 आ जाता है तो हम 7 वाले से कैरी लेकर देते हैं। अब पहले 4 से हम 0 को कैरी देंगे, ये 10 बन जाएगा। अब 10 से हम 6 को कैरी देंगे, 10 से जब हमने 6 को कैरी दिया तो 6 हमारे पास 16 बन जाएगा, और यहाँ पर 10 से हमने कैरी दिया तो ये 9 बन जाएगा। 16 में से 8 माइनस करें 8 आएगा, 9 में से 7 माइनस करें 2, यहाँ पर हमने इसे कैरी दिया था इसलिए यहाँ 3 बच गया। 3 में से 0 माइनस करें 3, और 2 में से 1 माइनस करें तो 1। शी मस्ट सेव, अब उसके पास 13285.40 रुपीज होने चाहिए न्यू टीवी को खरीदने के लिए। स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यही तक था। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनको समझना है। अल्लाह हाफिज़।